सामने बैठ जाओ, सामने बैठ जाओ। बस 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 बहुत है। अच्छा सेंटर प्लीज, थोड़ा सा आपके राइट में आ जाएंगे आप। बस बाबा नहीं राइट, थोड़ा आपके राइट, राइट ले लो लाइट। बस ये साइड लो रे, राइट राइट सर, इधर थोड़ा सा सेंटर 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 सर सेंटर सर। एक बार सबको लुक दे दीजिए, सबको राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट राइट। अरे नहीं फोन नहीं है। सेंटर लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट प्लीज। सेंटर राइट में भाई, भाई इधर भी, भाई इधर भी। मचाएंगे मचाएंगे सर। या एंड मे बी योर फ्रेंड्स कैन फॉलो यू। शेयर के साथ आएगा, दोस्त लोग के साथ कम सर, सर इधर से सब दोस्त लोग के साथ प्लीज सर, फैन के साथ। अरे हम लोग पीछे हो जाओ, पीछे भाई थोड़ा कैमरा पीछे। अमेजिंग Gully boy to Gheraiya, Bollywood superstar, give it up for Siddhant Chaturvedi. On behalf of the Indian family, welcome to Budweiser. Give it up for Siddhant Chaturvedi. भाई यहाँ पे, यहाँ पे हाँ उसको थोड़ा साइड कर लो, अभी बाद में लगा। अरे इधर साले को भी साइड करो थोड़ा, हेलो थोड़ा नाच रहा है गार्डन में। There's so many people to thank today. Mom, Dad, my buds. Thank you for all the love. And baby, for being my loyal fan base. Thank you to my ex for the pretty portfolio portraits. Thank you to you. मैं अभी कंट्रोल किया हूँ, मेरा दिमाग जाएगा तो मैं सबको कैमरे में घुस जाएगा। थैंक यू टू माय बॉय ऑफ सर फॉर सेविंग अस फ्रॉम शूटिंग दिस। ये सब हो गया, ये चल तू कर। थैंक यू टू द स्पॉट बॉय फॉर ब्लास्टिंग द एसी इन दिसंबर एज आई स्वेट थ्रू माय शर्ट एंड स्वेट। थैंक यू टू दोज हु शोड अप एवरी टाइम आई परफॉर्मड। Thank you to the ones who joined in and threw. Thank you for all the love. भाई भाई थैंक यू फॉर ऑल द लव। थैंक यू टू माय बॉय अफसर फॉर सेविंग मी फ्रॉम शूट केटरर्स। नील फॉर द फ्री पीनट्स। दादा Thank you to the spot boy for blasting the AC in December as I sweat through my shirt and sweat. Thank you to those who showed up every time I performed. Thank you to the ones who joined in and the story was formed. Thank you so much. कुछ कहना चाहेंगे आज की शाम के बारे में? आज की शाम इन सबके नाम
थोड़ा तो खुशी। ये मेरे दोस्त हैं, मेरे बड्स हैं और बडवाइजर के साथ जो एसोसिएशन है, सो बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि यहाँ तक पहुँचा हूँ। और ये सारे के सारे जो भी हैं, ये सब कॉलेज के दोस्त हैं, मेरे सीए के दोस्त हैं, और को अभी बाहर मिले तो मैंने पूछा क्या कर रहे हो, तो ले आया दो तीन को कम पड़ गए। नहीं ऐसा नहीं है, मतलब बचपन के दोस्त हैं मेरे और शुरुआत इन्हीं के साथ हुई है। और मेरे लोज में, मेरे हाइज में, मेरी पूरी जर्नी में, मेरे सफ़र में, मेरे पूरे हसल में, ये सब साथ में थे। और काफ़ी खुश हूँ मैं कि ये दिन मेरा नहीं है, ये इनका है, ये दोस्तों के लिए है। देखिए ये कहाँ गुरु जी क्या क्या बोल रहे हैं, देखिए ये बडवाइजर के साथ जो एसोसिएशन है, ये जैसे कि कहा है कि मेड ओवरनाइट्स, तो ये एक दिन का जर्नी नहीं है। इतने सालों से मेहनत कर करके यहाँ तक पहुँचे हैं। और आई थिंक बडवाइजर एज अ ब्रांड भी इस चीज़ के साथ एसोसिएट करता है कि जितने भी अपकमिंग आर्टिस्ट हैं, जितने भी अपकमिंग लोग हैं जो जिनकी जर्नी होती है, तो ये जो दोनों का मिलाप है ना, वही है जिसकी वजह से ये पूरा कैंपेन बना है। तो मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं इसका पार्ट हूँ और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, मेरे दोस्तों को काफ़ी ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है, मैं बोल लूँ बहुत मज़ा आ रहा है। ये भूकर जी मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। अच्छी फिल्म है, लोगों को पसंद आ रही है, लोग बातें कर रहे हैं, और दीपिका जी के साथ काम करने का मौका मिला, और शकुन बत्रा साहब के साथ, और कुछ अलग किस्म की फिल्म है, OTT पे आई, लेकिन सब लोग ने इसको देखा है और अभी भी लोग देखे जा रहे हैं, तो अभी भी चल रहा है। मुझे मज़ा आ रहा है कि काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं, अलग अलग लोग उस चीज़ को लेके, अलग एंडिंग्स को लेके बातें कर रहे हैं, तो एक टॉपिक छिड़ा है, तो मतलब मज़ा आ रहा है मुझे। तो आपके सारे दोस्त बहुत ही एक्साइटेड हैं? नहीं बिल्कुल नहीं लग रहे हैं। अरे बहुत 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 ज़्यादा, अरे कोल्ड ड्रिंक पिला दूँ मैं यार, बिल्कुल बिल्कुल गर्ल सिर्फ एक ही आपके पूरे ग्रुप में, एक ही आने को तैयार है। नाइस वन, नाइस वन, नाइस वन, यही है सच्चाई है, क्या उनके सामने क्या छुपाना है। कहना चाहेंगे तो भीम जो है ये मेरा दोस्त, थोड़ा सा आगे आइए, भीम आइए, ये मेरे लाइफ का पहला जिसने पोर्टफोलियो शूट किया था, ना इसको आती है फोटोग्राफी, ना मुझे मॉडलिंग आती थी, कैमरा हमें कहीं से मिल गया था, और पहला फोटोशूट बैंड स्टैंड पे था, जोया अख्तर के घर के सामने, और वो फोटोशूट इसी ने किया था। और हमें याद है कि रीमा मैम वहाँ वॉक कर रहे थे, इवनिंग वॉक के लिए निकली हुई थी, तो हमने कहा कि यार देखो रीमा जी हैं यहाँ पे, कभी शायद कभी मिलेगा काम, कॉलेज में थे, कॉलेज से जस्ट निकले हुए थे, और उसके 3-4 साल बाद गली बॉय आई, तो इसका तो मतलब ये बहुत स्पेशल है, मेरी लाइफ का पहला मैं इसका पहला मॉडल हूँ और ये मेरा पहला फोटोग्राफर है। डेट देते हैं आप? नहीं अभी तो बहुत बिजी, अभी तो सुपर बिजी है भाई। आप लोग कुछ कहेंगे? आप ये है डॉगी, इनके साथ मैंने गाना किया था धूप, आपने सुना ही होगा। तो ये मैं इनको मिला अभी हाल ही में बंटी बबली के समय, जब ये शंकर सर के साथ काम कर रहे थे, बंटी बबली का म्यूज़िक दिया है, तूफान का म्यूज़िक दिया है, मेरी अगली फिल्म आ रही है युद्रा, उसका भी ये म्यूज़िक दे रहे हैं, तो इनके साथ मेरा वो म्यूज़िकल कनेक्शन है, तो जब मैं इतना बेसुरा हूँ तो ये इन्हीं की वजह से थोड़ा बहुत गा पाता हूँ बेसिकली। जिस तरह से आपकी बैक टू बैक फिल्में हैं, कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि आपकी सारी फिल्में लोग बहुत ही अप्रिशिएट कर रहे हैं। देखिए अभी लोग वेट कर रहे हैं, मैं भी वेट कर रहा हूँ, उनको सरप्राइज़ करना है, कुछ नया लेके आना है, क्योंकि हर फिल्म में मैं नया करने की कोशिश करता हूँ। अभी आगे एक्शन है, कॉमेडी है, हॉरर कॉमेडी है, फोन बूथ कटरीना मैम के साथ वो आने वाली है, उसके बाद एक एक्शन फिल्म है जो फरहान सर ने लिखी है, तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ और मैं सरप्राइज़ करना चाहता हूँ ऑडियंस को, मैं चाहता नहीं कि कुछ एक्सपेक्ट करें, बिकॉज एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड एंड दैट्स व्हाट आई एम फॉर। थैंक यू, बिल्कुल ये मतलब गहराइयों में सीधे जाके इन्होंने ये पूरा ये जो फिल्म चलाई है मेरी जर्नी की, एक तरह से कहेंगे कि ये झलक है, और जैसे जैसे यहाँ तक पहुँचा हूँ, जो भी संघर्ष रहा है, तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि मतलब सीधे बीच समंदर में जूह बीच के सामने ये रखा हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, और ये काफ़ी मतलब अभी जो फिल्म आई थी गहराइयाँ,
तो सीधे गहराइयों में जाके रख दिया हुआ, तो अच्छा लग रहा है मुझे काफ़ी। थैंक यू सो मच, थैंक यू।